मैंने उससे पहले और भी ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए थे, ग्राफिक डिजाइनिंग का किया था। करने के बाद ही मैंने सोचा कि ई कॉमर्स में भी जाना चाहिए। खासतौर पे जैसे ही आपका बैच पूरा होता है, पहला क्लाइंट मिलने तक का टाइम जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। अगर आपने वो टाइम जो है वो अच्छे से आप मैनेज कर लिया तो उसके बाद फिर आप कामयाब हो जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ ईशान यूनस है। इनेबलर्स रहीमिया खान से मैंने कोर्स किया है अपना। ई कॉमर्स में तो मुझे 2021 से मैं ये लेके चल रहा हूँ, लेकिन इनेबलर्स में जो है मुझे अभी 6 to 7 months हुए हैं। मेरी अर्ली एजुकेशन जो है वो रहीमिया खान से ही है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन MPhil मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया है। उसके बाद मैं थोड़ी सी जॉब लाहौर में भी इधर भी रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने ई कॉमर्स में आने का मतलब सोचा। मैंने उससे पहले और भी ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए थे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का किया था, इसके अलावा और भी 1-2-3 किए थे। करने के बाद ही मैंने सोचा कि ई कॉमर्स में भी जाना चाहिए। मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने ये किया हुआ था, इसलिए फिर मेरा भी इस तरफ रुझान हो गया कि इसको करके देखते हैं, तो फिर बस इस तरफ आ गए। यहाँ पे आने से पहले मैंने ना ऐसे ही खुद से मतलब यूट्यूब से वीडियोज़ वगैरह देख के इधर उधर से कुछ सीख के ना सेल्फ लर्निंग के तौर पर मैंने अमेज़ॉन जो है वो ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर बिज़नेस शुरू कर दिया। तो मुझे ना वहाँ पे खातर का कामयाबी नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली, तो फिर मैंने सोचा कि इसको ना प्रॉपर लर्निंग के साथ जाना चाहिए, इसलिए फिर मैंने ये वर्क ज्वाइन किया। वहाँ पे सीनियर्स ने मुझे गाइड किया कि आपने इस तरह करना है, ये गलतियाँ नहीं करनी, ये मिस्टेक से बचना है, यहाँ से ऐसे चलना है। उनका असल मेन रोल मेंटोर्स का ही था कि अभी अगर हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तो इसमें सीनियर्स का ही रोल है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू था। क्लाइंट हंटिंग तो होती होती है लोगों को, मतलब जब कोर्स एंड हो जाता है उसके बाद बारी क्लाइंट हंटिंग आती है, वो तो होता ही है। इसके अलावा मुझे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू था, क्योंकि मेरी थोड़ी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा अपनी जॉब को भी टाइम दे रहा था। तो ये मैं उसके साथ लेके चल रहा था, ये अमेज़ॉन का काम, उधर भी टाइम दे रहा था, इधर भी टाइम दे रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो फिर मैंने अपनी टीम के साथ ही मैनेज किया। असल में ये कंटिन्यूस प्रोसेस है लर्निंग। बैच जो है मेरा वो तो 3 months का था, उसमें हमने ये तकरीबन पूरा कर लिया था। उसके बाद मैंने टीम बिल्डिंग पे काम किया। अभी जो मेरे साथ खुर्रम भाई हैं ये मेरी टीम में हैं, ज़ुबैर भाई हैं ये मेरी टीम में हैं, तो हम सब मिल के चल रहे हैं। पहला क्लाइंट हमने इसी तरह हंट किया था, ये मेरे सीनियर बैच में से थे, इन्होंने पहला क्लाइंट हंट किया तो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। तो हम एक ही क्लाइंट पे काम कर रहे थे फर्स्ट टाइम पे, तो फिर ये था कि हमारी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई और हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलने लग गया। तो जब हमने टीम में काम किया तो फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें ना और क्लाइंट मिलने लग गए। तो हम 3 से 4 बंदों की टीम थी, तो फिर क्लाइंट हमें जैसे जैसे मिलते गए तो हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता गया। अभी करंटली फ़िलहाल जो है वो $250+ मैं कमा रहा हूँ सिर्फ अमेज़ॉन से। तो इसके अलावा जो टास्क बेस्ड जॉब होती है वो इसके अलावा है। ये मुझे अभी 3rd month है, क्योंकि जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था, पहले खुर्रम भाई के साथ था, उनके क्लाइंट के साथ काम कर रहे थे, फिर उसके बाद मैंने अपना मुझे क्लाइंट मिला, तो ये फिर मैं अब अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ। ऐसा है सर, जो गिव अप है ना, मैंने EVS भी देखी है और साकी बजर सर के मैंने इंटरव्यू वगैरह देखता रहता हूँ, तो उसमें वो भी बार बार यही ताकीद करते हैं कि गिव अप नहीं करना। मुझे आइडिया था कि ऐसे मुश्किल आएंगी, मुश्किल के बगैर तो कुछ नहीं है। तो गिव अप मैं कहता हूँ, मैं खुद भी नहीं करता और जो अपने व्यूअर्स हैं उनको भी यही कहता हूँ कि नेवर गिव अप। ये टाइम बिल्कुल आता है, हर किसी पर आता है, जब आप सोचते हैं कि ये मुश्किल है नहीं होगा। मैंने भी बहुत बार सोचा कि मैं क्विट करूँ, इसको छोड़ दूँ, कुछ नहीं है इसमें। खासतौर पर जब जैसे ही आपका बैच पूरा होता है, आपका लर्निंग फेज पूरा हो जाता है, तो उस टाइम ये वो वाला टाइम पहला क्लाइंट मिलने तक का टाइम जो है वो ज़रा मुश्किल होता है, टफ होता है। अगर आपने वो टाइम जो है वो अच्छे से आप मैनेज कर लिया तो उसके बाद फिर आप कामयाब हो जाते हैं। फ्यूचर गोल सर, फिलहाल अभी तो क्लाइंट्स को लेके चल रहे हैं, इसके बाद मेरा अपना प्लान है कि होलसेल को लॉन्च करेंगे, होलसेल के बाद जो है वो PL की तरफ जाएंगे। फिलहाल जो है वो US मार्केट में काम कर रहा हूँ और होलसेल पे काम कर रहा हूँ। उधर ऐसा है कि एक तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बड़ी मार्केट है, बिग शेयर है अमेज़ॉन का, तो इसलिए फिर US को प्रेफर करते हैं। स्ट्रेंथ में ऐसा है कि एक तो मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो मेरा प्लस पॉइंट है, इसके बाद क्योंकि मेरी जॉब भी है तो मेरा फील्ड में जाना आना रहता है, तो इसलिए मुझे ये बेनिफिट है कि मुझे क्लाइंट हंटिंग में वो मुझे बेहतर हो जाता है। वीकनेस में ये है कि टाइम मैनेजमेंट का इशू मुझे रहता है, क्योंकि मैं 2-3 तरफ टाइम देना होता है, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट जो है वो अपनी टीम के साथ मिलकर मैनेज करता हूँ। अगर मैं किसी टाइम फ्री ना भी हूँ तो मेरी टीम जो है वो मेरे अकाउंट्स देख रही होती है। न्यूबीज़ और ऑडियंस के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप मतलब जो भी कर रहे हैं, जिस तरफ भी आपका इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में जाएं और पैशन के साथ जाएं, नेवर गिव अप। आपने किसी भी फील्ड में जाना है, अगर आपने ई कॉमर्स में आना है तो आपने थोड़ा पेशेंस रखना है। ये नहीं है कि आप एक ही रात में मतलब
मेहनत करेंगे रातों रात अमीर हो जाएंगे। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर आपको सक्सेस मिलती है। इनेबलर्स और सर साकिब अज़हर जो हैं, उन्होंने मतलब शॉर्ट टाइम में जिस तरह मैं देखता हूँ बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में और लीड कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान के लिए। बाकी जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि आप इनेबलर्स ज्वाइन करें, यहाँ पर कोर्स करें, बहुत ही अच्छी सपोर्ट है, मेंटोर्स बहुत अच्छे हैं, आपको फुल सपोर्ट करते हैं और आपकी लर्निंग में और अर्निंग तक आपको साथ लेके चलते हैं।